अस्सलाम वालेकुम, ये दिस इज़ जवाद एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बायो का पेपर आया है क्लास नंबर 12th का, उसका तो चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास बायो HSSC2 आ गया है। तो यहाँ पर हमारे पास अगर क्वेश्चंस को देखो तो इतने ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं थे, इजी सीन था पेपर में, क्योंकि आप लोगों को डबल चॉइस मिली हुई थी। 14 क्वेश्चन थे और 14 की 14 चॉइसेस थी। तो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ रिब केज उसने पूछा हुआ था और साथ में ही नेफ्रॉन पूछा हुआ था, जो कि आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था। इसके बाद यहाँ पे पीपल विद डायबिटीज़ डू नॉट प्रोड्यूस एनी इंसुलिन, व्हाट इफेक्ट वुड इट हैव ऑन सेल्स, ये भी हमने डिस्कस किया था। इसके बाद आइडेंटिफाई एंड डिस्क्राइब थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। इसके बाद ये हमें एक डायग्राम वगैरह आई हुई थी, इसमें आप लोगों ने कंक्लूजन ड्रॉ करनी थी इसको एनालाइज करके, और क्रोमोसोम्स और जीन्स के बारे में पूछा गया था और हाउ दे आर रिलेटेड। इसके बाद यहाँ पे जो चौथा क्वेश्चन है, इसमें हमारे पास जो ग्रिफिथ्स का एक्सपेरिमेंट था, इसमें आप लोगों के पास पूछा गया था कि डू यू थिंक दैट हीट ट्रीटमेंट दैट किल्ड बैक्टीरिया इज़ ऑल्सो इनएक्टिवेटेड द बैक्टेरियल DNA, वाई और वाई नॉट। तो इसी तरह डिफरेंशिएट बिटवीन कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट एवोल्यूशन पूछा गया था, और इनहेरिटेंस ऑफ होमोलोगस एंड एनालोगस स्ट्रक्चर। इसी तरह नेजल कैविटी ब्रीथिंग वगैरह का पूछा गया था, और उसके बाद हमारे पास जो ये जो कैनफिलेटर सिंड्रोम था इसके बारे में पूछा गया था। उसके बाद FSH और LH के बारे में पूछा गया था, और यहाँ पे हमारे पास डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पूछा गया था। साथ में ही हमारे पास 7 नंबर पे उसने डिफरेंशिएशन बिटवीन ये दोनों चीज़ों का पूछ लिया था, और अगर इसका आपको ये नहीं आता था तो पार्ट बी में आप लोग आराम सुकून से इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट को कर सकते थे। अच्छा, आगे चले तो इसी तरह हमारे पास उसने प्रोसीजर एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ जीनोमिक लाइब्रेरी पूछा था, और अगेन सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को पूछ लिया था। इसी तरह हमारे पास जेनेटिक मेकर जीनोमिक्स और ये वगैरह को आपने डिस्क्राइब करना था। साथ में ही उसने लोकल एनेस्थीसिया ब्लॉक्स के बारे में आप लोगों से पूछ लिया था। इसी तरह बायोमास के ट्रॉफिक लेवल्स के बारे में पूछा था, और साथ में ही ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूछ लिया था। इसी तरह DNA हमारे पास आ गया, होम गार्डनिंग आ गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ गया मेंडल्स के। इसी तरह DNA अगेन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे सारे, डोमिनेंस और ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई थी। अगर लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी अगेन आप लोगों को सारों में चॉइस थी, ये आप लोगों ने लेबलिंग करनी थी, आइडेंटिफाई करने थे इनके पार्ट, और साथ में ही आप लोगों को उसने जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये मैंने आप लोगों को बताया था, ये आप लोगों ने इसको लेबल वगैरह करके आइडेंटिफाई करना था। इसी तरह अगर आप आएँ तो हमारे पास ह्यूमन का जो बिहेवियर्स है यहाँ पे ये आप लोगों ने एक्सप्लेन करना था, और साथ में DNA RNA अगेन आप लोगों को बताया हुआ था, जीन थेरेपी बताया हुआ था, पिट्यूटरी ग्लैंड्स बताया हुआ था। इसके बाद हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्लड इन ह्यूमन था, ये बहुत ज़्यादा ईजी था, और साथ में ही हमारे पास एक्सप्लेन इन डिटेल द स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, ये पूछा गया था। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा इजी पेपर था, और आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आपका पेपर कैसा हुआ है और आप कैसा अटेम्प्ट करके आए। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। अपना बहुत सा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।